लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दो बारिशें हुई थी। पहली जब बारिश हुई तो क्या बाबा नगर डूबा हुआ था, क्या पानी था? दूसरी बारिश में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल नहीं हुआ, तालाबों के टूटने का पानी घरों में दाखिल हुआ। अगर तालाब नहीं टूटते तो शायद अकबरुद्दीन ओवैसी को रात में आकर इन गलियों में फिरने की, पानी में घूमने की जरूरत भी नहीं होती। रात में 1 बजे गुरमचेरू का तालाब टूटा, क्या रात भर आपके दरमियान में नहीं था? जब मैं मर जाऊंगा तो दुनिया मुझे मेरे तकरीर के लिए याद नहीं करेगी, जब मैं मर जाऊंगा तो दुनिया मेरे स्कूलों की वजह से मुझे याद करेगी, मेरे इमदादी काम की वजह से मुझे याद करेगी, मेरे तरक्याती सरगर्मियों की वजह से मुझको याद करेगी। और ये देखिए, गुरमचेरू के तालाब का 130 करोड़ का एस्टीमेट बनाया हो ताकि कल के दिन अगर फिर से उसके ऊपर के भी तालाब टूट जाए तो बाबा नगर में पानी नहीं आना। 130 करोड़ रुपए की मंजूरी हमने हासिल की, हमने यह काम किया।